असा पाहिजे. असा कसा देत नाही, असा कसा देत नाही. इस वक्त हम मौजूद हैं गणेश पेठ, नागपुर के गणेश पेठ में, जहां एसटी कर्मचारियों का काफी दिन पहले से यहां आंदोलन जारी है. कुछ मांगे हैं एसटी कर्मचारियों की सरकार से, लेकिन राज्य सरकार ने जो वेतन बढ़ाने की बात घोषित की, अभी सिर्फ घोषणा की है, तो देखते हैं हम उसके ऊपर एसटी कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है. क्या वो इस फैसले से खुश है, या अपनी मांगे पीछे लेने का फैसला लेने वाले हैं, या उनकी क्या सोच है. राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है कि एससी कर्मचारियों का जो वेतन है, पगार, वो बढ़ा दिया जाएगा, मात्र घोषणा हुई है, तो क्या इस घोषणा से आप संतुष्ट हैं, या आपकी कुछ मांगे और भी है? नहीं मैडम, वो घोषणा ही नहीं थी. जो राज्य शासन ने जो घोषणा की है ना, वो हमारी घोषणा ही नहीं थी. हमारा शुरू से लेके एक ही था कि हमको शासकीय कर्मचारी करके विलीन करो, यानी जो शासकीय कर्मचारी को देते वो हमको दो. हमको 2,500, 4,000, 5,000 नहीं चाहिए. हमको अगर 500 भी मिले तो हम उसमें समाधान है, पर हमको राज्य जो विलीनीकरण है वो चाहिए. क्योंकि ये जो इन्होंने घोषणा की है, ये आपस में झगड़े लगाने का और कैसी हमारा अच्छा जो विलीनीकरण का लड़ा है उसको फोड़ने का, ये हमको किया गया है. हमारा शुरू से स्टार्टिंग से कोई ये नहीं है. और इसमें क्या हो रहा है, अभी जो नए लड़के हैं उनको ऐसी लग रहा है कि अपनों को 5,000 बढ़ोतरी हो रहे हैं, और अभी जो घोषणा की परब साहब ने उनको ऐसी लगा कि नए लड़कों को अपन चॉकलेट दे देंगे तो बेचारे वो आ जाएंगे और पुराने लड़के को अपन ये करेंगे, पर ऐसी कुछ नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है. और सब हम लोग जब तलक विलीनीकरण होता नहीं है तब तलक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि जो हमारा मुद्दा है उसी पे अपने बात करना चाहिए, ऐसे हमारा कहना है. और उस बारे में हमारे जो पुढ़ारी है आजाद मैदान पे लड़ भी रहे, अभी कल हमारी पूरी फैमिली वहां जाने वाली है. अभी इसके हम आपने भी कई बार देखे, हम लोग अभी यहाँ पे खाना खा रहे हैं आजाद मैदान पे भी, पूरे अच्छे बारिश में हमारे जो पुढ़ाकार नेता थे वो भी वहां पे थे, वो भी वहां पे थे, हमारे बच्चे भी थे, हमारे जो भी है हम थे. और ये जो काम कर रहे हैं ये हमके हमारे खुद के लिए नहीं कर रहे, इसमें हमारे जो प्रवासी लोग है और जो भी लोग है, शेतकरी बांधव आते, बहुत से लोगों का हमको समर्थन है. हमको पॉलिटिकल मैटर नहीं चाहिए. जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है वो हमारा है, पर वो कब तक हमारा है? अगर वो हमारे विरुद्ध में जाता है तो उसकी भी गरज नहीं हमको. ऑलरेडी हमारे नेतृत्व सदावर्ती साहब अपने नाम कोर्ट में कर रहे हैं, हम है, और जो हमारे साथ आता है उनका हम बहुत स्वागत करेंगे. और इतना ही बोल के मैंने अपना ये करता है. पर हमारा जो जो है विलीनीकरण, हमको पगारवार नहीं चाहिए. हमारा विलीनीकरण ने लड़ा विलीनीकरण चाह, हमारा बोर्ड देख लो, बस वही हमको चाहिए. मैं आपसे सवाल करती हूँ, जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही आखिरकार केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून जो बिल है वो वापस ले लिया. किसानों का जो एक साल का आंदोलन था, आज कहीं ना कहीं किसान की जीत हुई है. आपको क्या लगता है, ये जो आप सरकारी विलीनीकरण की जो मांग कर रहे हो, क्या ये हो पाएगी राज्य सरकार द्वारा, ये मुमकिन हो पाएगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल हो पाएगा मैडम. जैसे इनकी सरकार जब बैठी थी तब इन्होंने डंके की चोट पे एक रात में सरकार बैठल कर इन्होंने अपनी सरकार ये स्थापन किया था. तो जब वो एक रात में रातों रात में ये हो सकता है तो विलीनीकरण क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है? और दूसरी बात, इन्होंने पगार अभी बढ़ाया इतने दिनों के बाद में, जब 31 महामंडल को वेतन आयोग लागू किए तब हमारा नाम क्यों लिस्ट में से हटा दिया गया, ये हमारा सवाल सरकार को है. और दूसरी बात, जो समिति इन्होंने गठित की है वो समिति पे हमारे को भरोसा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जो समिति गठित की है वो समिति के लोग ही इनके है, और उनमें से कई दो तीन लोगों पे तो ईडी की समझ भी जा चुके है, तो उन पे हमारा भरोसा नहीं है. इसलिए हमारी जो मांग है लड़ा विलीनीकरण, हमारे को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, बस यही हमारी एकमेव मांगनी है. सर आप बताइए, जो भी राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है,
कि एसटी कर्मचारियों का वेतन जो पगार है उसमें बढ़ावत हो जाएगी, तो आप इस फैसले से कहीं ना कहीं संतुष्ट है या असंतुष्ट है या अभी भी अपनी जो आपकी जो मांगे है उस पर आप अड़े हुए हैं? देखिए ये जो अभी घोषणा हुई है कि 5,000, 4,000 और 2,500, तो कैसा है कि पिछले जो 2016 से 20 का जो हमारा करार था, जो बाकी था, तो वो करार के वक्त में जो पैकेज घोषित किया था, तो वो पैकेज में से हमारी जो मान्यता प्राप्त संगठन के उनके अनुसार 1150 का ग्रेड पे जो था वो तभी हमको मिलना बाकी है। तो ये जो 5,000, 4,000 और 2,500 की जो मांग यानी बढ़ोतरी बता रहे, तो उसमें से अगर 1150 अगर निकाल दिए जाए, जो कि हमारे पहले से बकाया है, तो ये अगर निकाल दिए जाए तो ये क्या वार्ड है? अगर 5,000 जिनको बोल रहे हैं उनको तो 3,850 रुपये मिल रहे हैं, तो फिर किस हिसाब से हम बोलें कि ये वार्ड दिए? और ऊपर से 2020 से 2024 का जो करार हमारा जो बाकी है, अगर ये मैनेजमेंट 16 से 20 का करार उनके हिसाब से 1150 का ग्रेड पे देकर अगर करती है और उसके बाद में 2020 से 2024 का करार अगर वक्त पे करती है, तो आज हमारा ये जो 5,000, 4,000 जो घोषित किए उससे कई गुना ज्यादा हमारी वेतनवाड़ हो सकती थी। तो फिर ये तुटपुंजी वार्ड लेके हम करें क्या? तो उससे अच्छा यही है कि जो भी कोर्ट का फैसला जब तक आता नहीं है तो विलीनीकरण जो हमारा एक में मुद्दा है, तो हम उस पर ठाम है और हमारे पूरे कर्मचारी एकजुट है, तो हम ये लड़ा हमारा ऐसे ही चालू रखेंगे। मेरा एक सवाल ये है, इससे पहले ये आंदोलन जो है आपका जो अभी से चालू हुआ है, इससे पहले ये मसला कभी उजागर नहीं हुआ, ये मामला कभी उजागर नहीं हुआ, लेकिन अभी इस वक्त ही क्यों ये मामला उजागर किया गया कि आपको सरकारी विलीनीकरण करना है करके? इसके पहले क्या हुआ, हमारे यानी जब से मैं एसटी में लगा तब से 2 से 3 संप मैंने देखा हूँ, यानी हमारा आंदोलन, ये आंदोलन हुआ हमारा आंदोलन होता था 2 से 3 दिन बस, उसमें 2 से 3 दिन में हमारा आंदोलन पीछे हो जाता था, क्योंकि हमारे जो पुढ़ारी थे जो ऊपर से मुंबई लेवल में जो थे वो कैसा करते थे कि सरकार ने आपका जो आपने जो मांगनी बोले है वो पूर्ण करे है, तो वो क्या बोलते थे 350, 400, 500 हमारा आज तक के जो पगार बढ़ा है, हमारा बोलने का मतलब एक है कि तुम हमको वेतन वाला मत दो, हमको सिर्फ विलीनीकरण में डाल दो। विलीनीकरण में जैसे आज उन्होंने 5,000 रुपये पगार वाड़ कर दी, हमारी पगार में बढ़ोतरी कर दी है 5,000 रुपये, तो विलीनीकरण में डाल दो। विलीनीकरण में हमको 5,000 नहीं, हमको 2,000 भी पगार वाड़ होंगी तो हमको चलेगा, लेकिन हमको ये जो भरघोस जो अभी टीवी न्यूज में जो चल रहा है कि भरघोस वेतन वाड़ दे दिए, तो हमको वो वेतनवाड़ नहीं होना, हमको विलीनीकरण कर दो। विलीनीकरण में 1,000, 1,500, 2,000 रुपये जितनी भी वाड़ होंगी हम वो लेने के लिए तैयार है। और एक चीज है इसमें, और एक चीज ऐसी है कि जो शासकीय कर्मचारियों को अगर विलीनीकरण होता है तो शासकीय कर्मचारियों को जो भी सोई सुविधा सहूलत जो भी मिलती है, या मेडिक्लेम है या कैशलेस स्कीम है या जो भी बाकी के जो सहूलती है, तो हमारे को अभी तो वो कोई भी सहूलत लागू नहीं है। तो अगर विलीनीकरण होता है तो ये सब सहूलतें अपने आप लागू हो जाएंगी, इसके लिए हमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पगार वाड़ अभी जो घोषित की है उसमें बाकी के मुद्दे कुछ भी नहीं है, यानी इस बारे में कोई सोई सुविधा सहूलत इसके बारे में कुछ भी दिया नहीं है, खाली पगार वाड़ वो भी पगार वाड़ ढंग की नहीं है, इसलिए हमको ये मंजूर नहीं है। और मैडम एक बात ये है, जैसी एसटी राज्य शासन में विलीन हो गई तो उसमें एक तो हम कर्मचारियों का भी फायदा है, उसमें देखो जो प्रवासी यानी जो पैसेंजर जो बैठते हैं गाड़ी में उनको 17.5% कर देना पड़ता है, यानी टैक्स देना पड़ता, शासन में विलीनीकरण हो गया तो 17.5% कर माफ हो जाएगा, और ऊपर से जो हमारा टोल टैक्स लगता है महीने का 350 करोड़ रुपये वो बच जाएगा, जो डीजल पे कर लगता है 27.5% वो कम हो जाएगा। तो अगर ये एसटी महामंडल शासन में विलीनन कर दिए तो जो प्रवासी बांधव है हमारे जो पैसेंजर है, जैसे आज 100 रुपये टिकट है उनको सीधा सीधा यानी 50% यानी समझ लो 50 से 60 रुपये उनको टिकट हो जाएंगे, यानी हमारे बराबर उनका भी फायदा हो जाएगा।
तो मेन हमारे उसमें हमारा फायदा नहीं, हम लोग यह उपोषण पे बैठे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उसमें जो प्रवासी बांधव उनका भी बहुत बड़ा फायदा है और सरकार को भी फायदा है। जब 350 करोड़ महीने के, अभी हमको 300 करोड़ रुपए पूरे महाराष्ट्र में पगार के लिए लग रहे पूरे महाराष्ट्र में, तो उसमें वो तुम्हारे 350 रुपए टोल टैक्स के बच गए, उसमें तो पगार आ गया तुम्हारा, और 17.5% जो कर तुम्हारा बाकी है, जो हमारा जो देते है एसटी महामंडल, वो बच जाएगा। तो प्रशासन को, सरकार को इसमें टोटा कुछ भी नहीं है, उनका उल्टा उनका पैसा बचेगा, उसमें गरीब जनता उनके पैसे बचेंगे। तो उसके लिए हमारा लड़ा है कि हमको विलीनीकरण कर दो और फ्री हो जाओ। इसमें एक बात है मैडम, अपनी जो एसटी महामंडल की प्रॉपर्टी जितनी है कि अगर विलीनीकरण में अगर ले लिए तो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी उनके पास चले जाएगी, फिर लॉस कहाँ है? लॉस कहाँ है? लॉस प्रॉपर्टी और जगह महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे वन विभाग है और सेकंड नंबर पे एसटी महामंडल, वो तो महाराष्ट्र शासन की हो जाएगी। उसमें महाराष्ट्र शासन में हमको विलीनी करने से उनका नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ फायदा ही है। जगह का जैसा बोलो वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मॉल बना के या कि और कुछ किराए लोगों को डेवलपमेंट करके अच्छा ये करके, यानी उसमें से आवक ही आवक है, लॉस कहीं पर भी नहीं है। कई जगह किराए से जगह लिए है शासन, अरे किराए से लेने की क्या गरज है? आज मार्केट सिटी में इतनी बड़ी जगह है, आज ये हमारे नागपुर डिवीजन में देखा जाए तो इतनी जगह है, अरबों की जगह, खरबों जो भी है, उसकी हम कीमत भी नहीं बता सकते। तो इसका इस्तेमाल करो ना, और इसका इस्तेमाल अगर अच्छा होता होगा तो 2 पैसे हमको भी मिलेंगे और हमारे जो गरीब बांधव है उनको भी सुविधा मिलेंगी। तो ये सब करना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आपका जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जो प्रवासी है, जो सफर करते हैं, उनकी यात्रियों की जो मुसीबतें हैं, काफी मुश्किलें बढ़ चुकी है, वो सफर नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास प्राइवेट ट्रेवल्स के अलावा ऑप्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट ट्रेवल्स का किराया जो है वो काफी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, ये आंदोलन अगर आप करते हो तो प्रवासियों की तो तकलीफें और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप ये आंदोलन अपना पीछे लेते हो, हटा देते हो, तो कहीं ना कहीं प्रवासियों को सहूलियत जरूर मिलेगी कि वो एसटी से फिर से सफर चालू करेंगे। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। इसके पहले हमने नोटिस दिए, बहुत कुछ हमने बताया कि हमारा पेमेंट कम है, हमारा बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 2016 का करार नहीं किया, हमारा 2020 का करार नहीं किया। हमने कई बार उनको पत्र व्यवहार किए लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। आज ये नो बताइए, इसलिए हमारे जो संगठन थी वो हमारे को हमेशा क्या करती थी, एक लॉलीपॉप करके चॉकलेट देती थी कि चलो हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे। उनका आंदोलन या 2 या 3 दिन चलता था, बाद में वही क्या करते थे कुछ लोग उसमें मिलके क्या हमारा आंदोलन पीछे लेते थे। हाँ, हम यात्रियों को माफी मांगते हैं क्योंकि हमारे वजह से उनको तकलीफ सहन करना पड़ रहा है, लेकिन हम भी क्या करें, हमारे बच्चे रोड पे आ गए, हमारे पास में जो पैसा है वो रहता नहीं, आज हमारी पेमेंट इतनी कम है कि आज बर्तन मानने वाली तो भी औरत अच्छी कमा लेती है हमारे से। आज हम इतनी बड़ी बस चलाते, 300-300 किलोमीटर चलते हैं, लेकिन हमारे आज से पगार क्या है, 10-12 हजार, 13 हजार। 10 घर के अगर बर्तन माने तो उतनी तो लेडीज कमा लेती है, फिर हम इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं, हम खुद भी बचते हैं, लोगों को भी बचाते हैं, सुरक्षित सेवा देते हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचने को होना। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे किसानों के आगे आखिर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, किसानों के आंदोलन के आगे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को झुक कर जो 3 कृषि कानून थे वो उन्होंने वापस ले लिए, क्या आपके आंदोलन से राज्य सरकार पर कोई असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? हमारे आंदोलन से राज्य सरकार पे जरूर इफेक्ट गिरेगा, और हमारी मांगे ज्यादा वाइज नहीं है, हमारा विलीनीकरण कर दो, हम कल हमारा आंदोलन खत्म कर देंगे। जैसे केंद्र सरकार किसान आंदोलन के पीछे झुकी, वैसे हमारे एसटी का जो आंदोलन चल रहा है, हमको आशा है कि हमारे आंदोलन के पीछे भी वो झुक सकेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे घोषणा की गई है कि पगार जो है वो बढ़ने वाला है या बढ़ा दिया जाएगा, तो क्या आपको ये फैसला सही लगता है, या आपको इस घोषणा पे पूरा यकीन है, या फिर ये सिर्फ घोषणा ही है? घोषणा ही है सिर्फ,
यकीन नहीं लग रहा हम लोगों का, क्योंकि एसटी कर्मचारी को दुर्दशा वैसे की सरकार ने, और सरकार ही गलत है। हाँ, इसलिए हमको विलीनीकरण ही करना चाहिए हम एसटी कर्मचारी का। आप इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हो, हम पुरुष वर्ग तो है ही लेकिन महिला वर्ग भी उनके साथ में है, तो आप इतने दिनों से आंदोलन पे बैठे हो, इसका असर आपके पर्सनल लाइफ में या घर गृहस्थी में भी पड़ा है, तो आपको क्या लगता है ये आंदोलन आपको कंटिन्यू करना चाहिए या अभी आप रोकना चाहते हो? नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारी समस्या बहुत बड़ी है और हम बहुत प्रॉब्लम में है। हमारा पगार 12,000-13,000, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अच्छे स्कूल में डाल नहीं सकते, और हम जो किराए से रहते हैं तो घर वालों को आधा पेमेंट जाता है, इलेक्ट्रिक बिल हम खाएंगे क्या और बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हमारा आंदोलन कंटिन्यू जारी रखेंगे, हमको सिर्फ राज्य शासन में विलीनीकरण कर दो, यही हमारी पहली और आखिरी मांग है। आपने जो सवाल पूछा है कि ये विलीनीकरण की मांग आपकी अभी दिखाई दे रही है, ये हमने सुना है, लेकिन इसका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं 2017 को बीजेपी की गवर्नमेंट थी और शिवसेना का ही परिवहन मंत्री था, उस समय संघर्ष ग्रुप के तरफ से वेतन आयोग की मांग की गई थी, उसके लिए एक मोर्चा भी निकाला गया था। और जैसे हमारे साथियों ने बताया कि इसके पहले कई बार शासन के साथ पत्र व्यवहार किया गया, उनको विनती की गई हमारे संगठन के तरफ से या फिर कर्मचारियों की, हमेशा ये बात रहती कि हमारा जो पेमेंट है उससे हमारा घर चल नहीं पा रहा है, और इस बात पे हमेशा ही गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि 40 लोगों ने आत्महत्या किया है। यानी आखिरी रास्ता उनको यही दिखा कि कम से कम हमारे बोलने से अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो जान देने के बाद वो सुन ले। ये हमारे कर्मचारियों की जो आत्महत्या है हम ऐसे नहीं जाने देंगे, और उनके आत्महत्या के अगेंस्ट में हमको ये कदम उठाना पड़ा है कि अभी आर या पार की लड़ाई है ये। अगर आप विलीनीकरण नहीं करोगे तो हमको ऐसे ही आत्महत्या करते हुए सिलसिला जारी रखना पड़ेगा। आप ऐसे बीच में से रास्ता निकाल के ये संप नहीं तोड़ सकते हो, ये हमारा बोलना है। दूसरी बात, महामंडल की जो स्थापना हुई है ये सबको पता है कि 1950 एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत इस महामंडल की स्थापना हुई है, ये सभी राज्यों में एक साथ हुई है। तो ये महामंडल उस जमाने का नहीं रहा जब 1939 का था, या तो फिर जो बॉम्बे ट्रांसफर एक्ट था, वो महामंडल नहीं है। ये महामंडल सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से बनाया गया है, और इस महामंडल की सेवा ये नफा या कमाने के लिए व्यवसाय नहीं है, तो ये पब्लिक सर्विस है जो गवर्नमेंट को पब्लिक को देना है, और उस पब्लिक को देने के लिए जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है उसका हम एक पार्ट है, हम कर्मचारी है, तो जैसे पब्लिक को ये सेवा देना जरूरी है वैसे उस ट्रांसपोर्ट में उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों का हित भी संस्था को देखना चाहिए, उनकी जो जरूरत है वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही वो देखना चाहिए। एक तरफ तो शासन ये पब्लिक का बोलती है कि उनका असुविधा हो रही है या फिर उनको तकलीफ हो रही है, दूसरी तरफ आप हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए कि हमको इतने सालों से कितनी तकलीफ हुई है, और उसका ये आउटपुट है कि लोग 40 लोग मर चुके हैं और कितने लोगों के मरने का आप इंतजार कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए, इसको आप बॉयकॉट मत करो कि लोग आत्महत्या कर रहे हो और ये मामूली है, इसके बाद भी लोग मरेंगे तो इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेंगी। आप बोलते हो कि पब्लिक का नुकसान हो रहा है, हम मानते हैं, हम दिल से नहीं चाहते कि पब्लिक का नुकसान होना चाहिए या फिर प्रवासी को हम मतलब प्रॉब्लम में डाले, लेकिन हमारी मांगे उतनी जायज है जितनी पब्लिक की मांगे, और पब्लिक का हमको सपोर्ट है। आप लोगों के माध्यम से आप गवर्नमेंट को बताइए कि हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और महाराष्ट्र में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एसटी महामंडल के जो कर्मचारी है एक हुए, आज तक एक होने नहीं दिया गया। ये जो जितने भी यूनियन है ये गवर्नमेंट के साथ पैकअप है, और इसकी वजह से ये जो अलग अलग तरह से तकलीफें झेल रहे थे कर्मचारी, वो आज पहली बार एक हुए हैं। सभी यूनियन को बाजू में रख के ये कर्मचारियों ने खुद अपने स्वयं स्फूर्ति से इस आंदोलन को खड़ा किया है, इसमें अभी कोई दरार नहीं आ सकती और ना ही आना चाहिए, ऐसा चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल, ये सवाल मेरा रहेगा कि 34 कर्मचारियों की आत्महत्या, जो 42 कर्मचारियों की आत्महत्या, कर्मचारियों ने आत्महत्या की है तंगी के कारण, तो क्या इस मांग के
अपोजिट भी एक मांग होती है कि जो मर चुके हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके लिए सरकार द्वारा कोई मदद आश्वासन जो सरकार देती है कि हम मदद करेंगे, क्या ये भी मांग आपकी रहेगी? हाँ, ये मांग तो जरूर रहेंगी। अगर विलीकरण हो जाता है तो जितने लोग हमारे अभी तक मरे हैं सबकी कलम के हिसाब से सबको इनको बेनिफिट देना ही पड़ेगा। और रही बात ये संप की, मैं जब से लगा हूँ ये मेरे हिसाब से 14 संप है और हमारा अभी विलीकरण हो गया तो मुझे नहीं लगता इसके बाद हमको संप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी विलीकरण हम नहीं मानते, हम पगार वार्ड पे अगर कल से गाड़ियाँ चलाना चालू करते हैं तो मुझे हमें ये बात मालूम है कि और 2 साल के बाद हमको संप करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेमेंट अभी बढ़ाएंगे ये इतना ही रहेगा, 2 साल के बाद और बढ़ाने के लिए हमको और एक संप करना पड़ेगा जो कि हम करना नहीं चाहते। इसलिए हमको सिर्फ विलीनीकरण चाहिए जिससे हमारे जो मरे हुए कामगार है सबको बेनिफिट भी मिलेगा और हमारा भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा। हाँ मैडम, आज तक जो मरे है ये 40 नहीं 42 हो गए, 42 में से कई लोग ऐसे है कि जो खाली धमकियों से मरे हुए है, यानी ऑर्डर फॉलो करके भी मरे हुए। अब इसके बाद अगर ऐसी परब साहब ने अगर जैसे अभी मैं कल के भी न्यूज में सुना कि 1-2 दिन में अगर कर्मचारी अगर ज्वाइन नहीं होते हैं तो जो मुझे कार्रवाई करना है मैं करूंगा, और ऐसे धमकी से परब साहब के धमकी से इसके बाद में अगर कर्मचारी मरते हैं तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? क्योंकि इसके पहले भी जो मरे हुए ये इसमें बहुत से ऐसी कर्मचारियों को खाली धमकी से मरे हुए, इनकी धमकी बोलने से कैसे पेमेंट कम, अब पेमेंट कम होने के बाद में उसको निलंबित किया गया है, अब वो सोचता है कि अब मैं निलंबित ही कर गया हूँ तो अभी मैं क्या करूं, तो इसके कारण एक ही परर है तो उसने आत्महत्या कर लिया, यानी कमजोर दिल वाला। अगर ऐसे अगर निर्णय चालू रहेगा और मरेगा तो फिर इसका क्या है, इसका भी खुलासा कर दीजिए बोलना परब साहब को कि क्या करना चाहिए करके। तो ये समस्या है हमारे एसटी कर्मचारियों की और मांग भी है हमारे राज्य सरकार से कि वेतन वाड़ जो पगार बढ़ाने की घोषणा की गई है उनकी उनको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सरकारी विलीनीकरण होना चाहिए, ऐसी मांग को लेकर आंदोलन अभी भी जारी है। बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जोया खान, नागपुर।